हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल वील फॉर्चून डबल वन डबल वन सो आज की जो वीडियो है वो एक तरह की कलेक्टिव रीडिंग होगी और आज का टॉपिक है कि आपके पार्टनर नाइट में रात में आपके बारे में क्या सोचते हैं सोने से पहले वो आपके लिए क्या सोचते हैं आप दोनों के कनेक्शन के बारे में क्या सोचते हैं तो यहाँ पर आप लोगों की बहुत सारे लोगों के मैसेजेस मिलेंगे तो सब लोग आप लोग देख रहे हो तो लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पता चले कि आपके पार्टनर क्या सोचते हैं आपके कनेक्शन को लेकर रात में क्या सोचते हैं उनके माइंड में क्या थॉट्स चलते हैं क्या डिसीजन लेना चाहते हैं वो ओके okay, सो so आप लोगों में से बहुत लोगों की आ, यहाँ पर मुझे मिलने वाली है मैसेजेस आपके पार्टनर के थ्रू सो so, ये सबके लिए है एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है सो so, आप लोग मेल फीमेल दोनों इसे देख सकते हो और किसी भी वक्त तो देख सकते हो जब तक मैं शफलिंग करके कार्ड्स निकाल रही हूँ तब तक आप लोग थोड़ा सा प्रेयर्स करो थोड़ा सा मेडिटेट करो एंड मैनिफेस्ट करो आप अपने पार्टनर को अपने लाइफ में बिकॉज ये बहुत वर्क करता है एंड मेरे चैनल को ग्रो करने में भी आप लोग ज़रूर हेल्प करें एंड कोर्स आप लोग सब हेल्प कर रहे हो बहुत ज़्यादा प्यार देते हो आप लोग आ, मैं बहुत ज्यादा ब्लेस्ड फील करती हूँ सो so, देखते हैं आपके पार्टनर सोने से पहले क्या सोचते हैं उनके माइंड में क्या थॉट्स आते हैं आपको लेके ओके okay. सो so, जो साइंस आपके आपके पार्टनर के हो सकते हैं वो है अर्थ साइन अर्थसाइन वर्गोटॉर कैप्रिकॉन फायरसन एरीज लियो एजिटेरियस फाइशियस जेमेनाइन लिब्रा वर्गो ओके okay. ये कुछ साइंस हैं अभी और भी कास्ट में हम साइंस देखेंगे सो so, देखते हैं कि आपके पार्टनर क्या सोचते हैं आपके बारे में सो so, देखो सबसे पहले तो उनका ये ख्याल आता है आप आत में कि आप उनके लिए परफेक्ट पार्टनर हो चाहे वो मेल हो या फीमेल हो उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा परफेक्ट थे बहुत खूबसूरत थे उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते थे बहुत केयर करते थे उनकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे लेकिन हो सकता है कि इन्होंने आपको घोस्ट किया हो या खुद ये चले गए हों आपसे दूर ठीक है पास्ट की एनर्जी है ये ठीक है वो खुद चले गए थे ब्रेकअप कर लिया तो सेपरेट हो गए थे कुछ बिना बताए चले गए थे जिसके लिए अब वो हरमिट पोजीशन पे आ चुके हैं पछताते हैं बहुत दुख में हैं बहुत पछताते हैं अपने आप को कोसते हैं रोज़ रात में कि ऐसा उन्होंने क्यों किया उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था बहुत थॉट्स उनके माइंड में आते हैं ठीक है बहुत सैड रहते हैं बहुत सैड रहते हैं वो ठीक है बहुत ही ज़्यादा सैड रहते हैं वो उन्हें सारी पास्ट की बातें याद आती हैं कि जिस वक्त आप उनके ऊपर एफर्ट्स लगाते थे और वो डिफ़ेंसिव होते थे ठीक है कोई एफर्ट्स नहीं लगाते थे अपने इमोशंस को नहीं बताते थे ठीक है सब कुछ रोक देते थे अपने ईगो के बेसिस पे चलते थे तो उस चीज़ जो उन्होंने किया उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा पछताते हैं फाइव ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पे वो सोचते हैं कि उन्होंने आपको ऐसा क्यों सफ़र करवाया उन्होंने आपसे इतना ज़्यादा एफ़र्ट्स लेने के बाद भी उन्होंने कुछ पुट क्यों नहीं किया उन्होंने क्यों आपको ऐसे अबैंडन कर दिया ओके उनकी फ़ीलिंग्स ये आती है और उनका मतलब सोचने पे वो मजबूर हो जाते हैं कि उन्होंने क्यों गलतियाँ की उन्हें ऐसा लगता है वो ऐसा सोचते हैं कि आप इतने ज़्यादा परफेक्ट थे उनके लिए आप इतने ज़्यादा उन्हें प्यार देते थे उन्हें सपोर्ट करते थे उन्हें केयर करते थे उनकी फिर भी उन्होंने हार्डवर्क क्यों नहीं किया फिर भी उन्होंने एफ़र्ट्स क्यों नहीं डाला इस कनेक्शन में ठीक है मुझे ये भी चीज़ यहाँ दिख रहा है कि हो सकता है कि आपके पार्टनर की कुछ फ़ाइनेंशियल कंस्ट्रिक्शन चल रहे हैं वर्क में भी फोकस है उनका वहाँ पे भी कुछ बन नहीं रहा है ठीक है लव लाइफ़ में भी कुछ नहीं बन रहा है तो पूरी तरीके से परेशान है उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो लव उन्हें मिला था डिवाइन की तरफ से उन्हें भी उन्होंने ठुकरा दिया और सारी पास्ट की बातों को वो याद करते हैं ठीक है ठीके? कि उन्होंने जो ऐसा किया उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था बल्कि ऐसा करना चाहिए था और भी कार्ड्स देखते हैं कि क्या है फीलिंग्स ये चीज़ मुझे लग रही है और सब मुझे लगता है कि आपने बहुत कोशिश की है इस पर्सन को अपने ज़िंदगी में रोक कर रखने के लिए लेकिन ये पर्सन कभी मानने के लिए रेडी नहीं थे कभी रुकने के लिए रेडी नहीं थे लेकिन अब जब आपने हाल छोड़ दिया है तो अब उस चीज़ को समझ रहे हैं कि उन्होंने कितना गलत किया तो उनके रात की फीलिंग्स यही रहती है देखो यहाँ पे मून भी है एट ऑफ कप्स के साथ यहाँ पे देखो मून भी है ठीक है तो डेफिनेटली रात में बहुत सोचते हैं सैड होते हैं परेशान होते हैं हमारे पास जो कार्ड्स हैं वो हैं जजमेंट टू ऑफ पेंटिकल्स एस ऑफ सॉट्स सिक्स ऑफ पेंटिकल्स ओके तो हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है या अपने वर्क में और आपको बहुत ज़्यादा जगल करते हैं वो ठीक है कि आपके तरफ़ जाएं कि वर्क की तरफ़ जाएं काम में ज़्यादा फोकस करें करियर में ज़्यादा फोकस करें किस लव लाइफ को और एक चांस दिया जाए एंड बैलेंस बनाना चाहते हैं वो सोचते हैं कि काश इसमें इसमें बैलेंस होता काश इसमें सब कुछ अच्छे से चलता ठीक है वो क्लैरिटी ढूंढते हैं वो खुद एंजल से प्रेयर्स करते हैं खुद गॉड से प्रेयर करते हैं ऊपर वाले से प्रेयर करते हैं रोज़ रात को कि काश कुछ ऐसा हो काश कुछ मरिकल्स हो जिससे वो आपकी तरफ आ पाए ठीक है जिससे वो आपके करीब आ पाए आपसे मिल पाए आपसे कह पाए वो बातें जो उन्होंने नहीं कही जो बैलेंस के चक्कर में उन्होंने आपको खो दिया उस चीज़ को वापस लाना चाहते हैं वो इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं आपको वो चाहते हैं कि अब जितना आपने पहले उन्हें दिया वो उतना ही आपको प्रोवाइड करें ठीक है और वो आपकी तरफ डिसीशन लेना चाहते हैं उनके माइंड में वो खुद क्लैरिटी खोजते हैं ठीक है कि क्या उन्होंने गलत किया क्या उन्हें नहीं करना चाहिए था कैसे अगर अभी अगर फिर से सब कुछ ठीक हो जाएगा तो उन्हें क्या क्या करना चाहिए जिससे कि फ्यूचर आगे बढ़े ये उनके थाट्स मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं ठीक है, है? परेशानियों में गिल्ट में ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे इनका थाट्स ठीक है कि कैसे सब कुछ ठीक किया जाए पास्ट की बातें उन्हें बहुत ज़्यादा याद आती है ओके पास्ट एनर्जीज उनकी बहुत ज़्यादा याद आती है उन्हें Uh, ये फीलिंग्स मुझे लग रही है लगभग एवरी डे ये इस चीज़ से गुजरते हैं किसी को कह भी नहीं पाते हैं किसी चीज़ को कर भी नहीं पाते हैं ठीक है और बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करते हैं चाहे वो किसी भी सिचुएशन में रहे ठीक है ठीके? बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करते हैं अब हम देख लेते हैं कि आपके क्या थाट्स हैं आप क्या सोचते हो रोज़ रात में सोने से पहले अपने पार्टनर को लेके ठीक है आपकी भी क्लास लगाती हूँ थोड़ी आज बिकॉज कुछ कुछ फ्रेंड्स हैं जो कहते हैं कि मैम हमारे साथ भी रिजनेट कर रहे हैं सो या बाईस वर्षा हो सकती है एनर्जीज बट आपके अलग से देख लेते हैं कि आप लोग क्या सोचते हो आपके पार्टनर को लेके प्यार तो बहुत है आपके अंदर उनके लिए इसी वजह से आप रीडिंग्स भी देखते हो ओके okay, देखते हैं आप क्या सोचते हो अपने पार्टनर के बारे में किसी किसी के मदर इश्यूज वगैरह भी हो सकते हैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम दिख रहा है करियर प्रॉब्लम दिख रहा है किसी के लिए थर्ड पार्टी दिख रहा है उस समय वो खुश नहीं है ठीक है किसी भी सिचुएशन में खुश नहीं है बिल्कुल नहीं है आपको ऐसा अगर लग रहा है कि बात नहीं हो रही है अपने लाइफ में इंजॉय कर रहे हैं तो नहीं ऐसा नहीं है देखते हैं आप क्या सोचते हो आपकी फीलिंग्स क्या हैं सबसे पहले है फोर ऑफ एट ऑफ स्व सेवन ऑफ कप्स थ्री ऑफ सो मुझे लग रहा है कि आप लोगों की जो फीलिंग्स रहती है वो तो हमेशा से यही रहती है कि कहा शादी हो जाती का साथ में रहते का फिर से कमिटमेंट मिल जाए काश फिर से चीज़ें बैलेंस हो बैलेंस वे में चले काश फिर से वही बातें बातचीत हो इन्जॉय enjoy, इंजॉयली आप लोग जियो लाइफ को बहुत लोगों की मुझे लग रहा है कि मैरिज करना चाहते हो एंड आप लोगों को ऐसा फीलिंग्स हमेशा से कांस्टेंट रहता है कि आपके ट्विन फ्लेम हैं आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो ठीक है बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है बट हाँ मुझे लग रहा है कि साथ में आप लोग बहुत कन्फ्यूज रहते हो एक चीज़ मुझे आपसे ज़्यादातर मुझे एनर्जीज आ रही हैं कि आप कन्फ्यूज रहते हो कि सही में आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो कि नहीं हो सही में ये पर्सन आपके काउंटर पार्ट है कि नहीं है या फिर सिर्फ कार्मिक रिलेशन है जिसमें आ, आपको बस पेन मिल रहा है बस वेट करना पड़ रहा है एंड आपको शायद ऐसा भी फीलिंग्स आता है रात में कि आपने भी शायद हंड्रेड परसेंट पुट नहीं कर पाए इस कनेक्शन में आपने भी इस पर्सन को हर्ट किया आपने भी आपको भी जो करना चाहिए था इस पर्सन की जो डिज़ायर्स दि, थी नीड्स थे आप पूरा नहीं कर पाए ऑल्सो मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर करते हो रात में ठीक है बिल्कुल मत करो ऐसा बिल्कुल मत करो मुझे लग रहा है कि आप रात में रोते हो आपको समझ नहीं आता है कि आप किसके साथ बातें शेयर करो किसके साथ क्या करो बहुत ओवर थिंकिंग चलती है आपके माइंड में आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन के पास ऑप्शन है वो खुश हैं लाइफ में आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं एंड ये चीज़ को सो, सोच सोच के आप परेशान होते हो आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन कहीं और कनेक्शन में चला गया है कहीं और रिलेशनशिप में चला गया है किसी और से डील कर रहा है बहुत कुछ आप सोचते हो बहुत कुछ आपके माइंड में आता है कभी कभी लगता है आपको कि आप डिजर्विंग नहीं हो उस पर्सन के लिए एंड आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है फिर से सही नहीं होगा लेकिन फिर दूसरे ही मोमेंट पे आप ये सोचते हो कि नहीं नहीं अब भी आशा है अब भी कुछ होगा ठीक है तो एक टाइम आप सोचते हो कि आपकी डिस्टिट कनेक्शन है डिवाइन की तरफ से गाइडेंस है एंड दूसरी तरफ आपको ऐसा लगता है कि ये कार्मिक कनेक्शन है बस पेन देने के लिए आया है एंड बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो आप इस इनके साथ फ्यूचर तो देखते हो लेकिन साथ में बहुत कन्फ्यूज आप रहते हो ठीक है मुझे लग रहा है कि आप इस पर्सन को लेकर क्लैरिटी आपको मिल नहीं पाती है आप इतनी रीडिंग्स देखते हो आप इतना सोचते हो फिर भी आपको कभी वो एक फुलफिलमेंट वाली सेटिस्फैक्शन आपको नहीं मिलता है आपको हमेशा कन्फ्यूज रहते हो उस पर्सन को लेकर और रात को आप ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हो बहुत ज़्यादा सोचते हो पर्सन को लेकर मुझे लग रहा है कि आप डे ड्रीमिंग डे में भी सोचते हो रात में भी सोचते हो एंड आपको क्लैरिटी नहीं मिल पाती है लेकिन आप इनका वेट कर रहे हो लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है या फिर मिले नहीं हो या ऑनलाइन डेटिंग हो सकता है आप चाहते हो कि ये पर्सन आपके पास आए आप नहीं चाहते हो कि आप उन्हें उनसे कम्युनिकेट करो या फिर उनको आप जाके कुछ कहो आप चाहते हो कि ये पर्सन रियलाइज करें आपके पास वापस आएं आप खुद मैनिफेस्ट कर रहे हो खुद प्रेयर्स करते हो खुद गाइडेंस चाहते हो डिवाइन की तरफ से एंड वेट कर रहे हो कि कब ये पर्सन आपकी तरफ आ पाए और आप चाहते हो कि जल्द से जल्द ये पर्सन आए ताकि आप दोनों की नई शुरुआत हो एंड आप इस पर्सन को एक्सेप्ट करना चाहते हो चाहे कोई भी कंडीशन हो बट मुझे लग रहा है कि आप लोग की इतनी कन्फ्यूजन्स है कि आप लोग अभी तक भी श्योर नहीं हो पाते हो कि आप लोग सोलमेट्स हो या ट्विन फ्लेम जर्नी में हो कभी कभार मतलब दो तरह के थॉट्स आपके माइंड में आते हैं एक बार आते हैं कि हाँ ये ट्विन फ्लेम है फिर आपको लगता है कि नहीं नहीं ये ट्विन फ्लेम नहीं हो सकता सोलमेट नहीं हो सकता जो इंसान इतना पेन देता है इतना दुख देता है वो कैसे कोई किसी का अपना हो सकता है काउंटर पार्ट हो सकता है ये कन्फ्यूजनस है ठीक है तो मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो तो प्लीज़ आप लोग ओवर थिंकिंग ना करो आपकी जो ये है ना ये ये दोनों ये एनर्जी इसको आप लोग कॉन्सटेंट रखो फ्यूचर देखना है और वेट करना है पेशेंस के साथ लेकिन वेट करना है को डिपेंडेंट नहीं रहना है वेट करना है कि ठीक है जब आएंगे तो एक्सेप्ट करेंगे अभी हम अपने काम में फोकस करते हैं अभी अपने फ्रेंड्स के साथ फैमिली के साथ एंजॉय करते हैं अपने वर्क में वर्क लाइफ में करियर में फोकस करते हैं और साथ में हम फ्यूचर के बारे में भी सोचते हैं होपफुल रहते हैं कि हाँ फ्यूचर में ये पर्सन आएंगे हमारी इनकी न्यू स्टार्ट होगी ठीक है आपको ये दो एनर्जी से निकलना है ठीक है कन्फ्यूज नहीं रहना ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना है बेफालतू के ठीक है जो रियलिटी में एग्जिस्ट भी नहीं करता उसे भी सोच के आप दुख मना के अपने ही रोते हो ठीक है ऐसा बिल्कुल नहीं करना है स्ट्रांग रहना है आपको तो ये चीज मुझे दिख रही है तो आपके पार्टनर गिल्ट में रहते हैं उन, उन्हें चाहिए न्यू स्टार्ट वो चाहते हैं कैसे करें वो खुद गिल्ट में रहते हैं कि जो उन्होंने किया वो सब गलत था पछतावे में रहते हैं नाराज़ रहते हैं और आप हो कि ओवर थिंकिंग करते हो बहुत कंफ्यूज रहते हो लेकिन आपके पार्टनर को क्लैरिटी है आपको लेके लेट मी टेल यू ठीक है आपको जितनी क्लैरिटी इस टाइम नहीं मिल रही है उतनी उससे उत ज़्यादा क्लैरिटी आपके पार्टनर को है कि हाँ आप उनके लिए इंपॉर्टेंट हो आपसे वो प्यार करते हैं ठीक है ये चीज़ दिख रही है चलिए और भी देखते हैं कि वो आपके लिए क्या सोचते हैं मैंने आपके लिए तो बता ही दिया बाकी तो आपको पता ही होगा लेकिन फिर भी मैंने देखना चाह रही थी ओके okay? बिकॉज मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि आप लोग परेशान रहो दुख में रहो ठीक है हमेशा आप लोग खुश रहो एंड ओवर थिंकिंग बिल्कुल मत करो ठीक है ओवर थिंकिंग सबसे ख़राब चीज़ होती है जितना गलत सलत सोचोगे जो रियलिटी में होगा भी नहीं उसको क्या सोच के क्या फ़ायदा है ठीक है उससे क्या होगा कि मेंटल स्ट्रेस बढ़ेगा इमोशनल ब्रेकडाउन होंगे तो देखते हैं आपके पार्टनर क्या सोचते हैं रात में आपके लिए इमोशंस तो हैं उनको ऐसा लगता है कि वाह हारमोनी शेयरिंग क्लिंगिंग टू द पास्ट क्रिएटिविटी ओके तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो आप सबको बहुत पसंद करते हैं आपके पिक्चर्स वगैरह देखते होंगे रात में सोने से पहले या आपको याद करते हैं आपकी ब्यूटी को याद करते हैं बॉय हो या चाहे गर्ल हो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं वो ठीक है आपके बारे में सोचते बहुत है रात में लेकिन हाँ वो फिर पास पास्ट में फंसे रह जाते हैं रात में ठीक है आपकी तरह वो भी सोचते हैं आपकी तरह वो भी सोचते हैं बहुत कुछ आपको लेके ठीक है फिर है हमारे पास हारमनी आपके आप दोनों के बीच वो पीस चाहते हैं हारमनी चाहते हैं वो भी आपके साथ फ्यूचर देखते हैं टेन ऑफ कप्स का कार्ड है वो भी चाहते हैं कि आप दोनों एक फैमिली में रहो साथ रहो बच्चे हो खुशहाली हो पीस हो ठीक है आपके साथ भी फ्यूचर प्लानिंग्स करते हैं फ्यूचर देखते हैं वो क्रिएटिविटी ठीक है वो चाहते हैं कि क्रिएटिव वे में आप दोनों के कनेक्शन फिर से स्टार्ट हो, हो सकता है आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो क्रिएटिव फील्ड में हो या आप हो वो चाहते हैं कि फिर से न्यू स्टार्ट हो कि क्रिएटिव वे में जहाँ पे कुछ ये पास्ट गिल्स लड़ाई झगड़ा वगैरह ना रहे ठीक है वो बहुत ज़्यादा होप्स करते हैं रात में कि कुछ हो जाए कि सब कुछ अच्छा हो जाए क्योंकि बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं आपको ठीक है बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं तो ये है उनकी फीलिंग्स रात में आपके लिए सोचते हैं आपके लिए है परेशान भी रहते हैं अभी बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं वो इस टाइम पे ठीक है तो अब देख लेते हैं कि आ, उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा आपके लिए नेक्स्ट मूव देख लेते हैं उनका आपके लिए हम्म नेक्स्ट मूव है पेज ऑफ काप सिक्स ऑफ द फूल फाइव ऑफ़ वॉन्ट्स ठीक है तो मुझे लग रहा है अगर कुछ थर्ड पार्टी है जिनके साथ उनके भी कनेक्शन कुछ अच्छी नहीं चल रही है या फिर अगर कुछ प्रॉब्लम्स है केरियर रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं फैमिली इश्यूज़ हैं वो सबसे वो लड़ झगड़ के निकल के आएंगे आपके तरफ ठीक है आपके तरफ मूव करेंगे एंड वो इस चीज़ को एक्सपेक्ट करेंगे कि जब वो आपके तरफ आएँ आपके साथ न्यू बिगिनिंग्स के लिए आए आपको कुछ ऑफर करें आपके साथ फ्रेंडशिप करना चाहें बात करना चाहें कम्युनिकेट करना चाहें लव ऑफर देना चाहें तब वो ये चीज़ को एक्सपेक्ट करेंगे कि आप उनके साथ लड़ाई झगड़ा ना करो आर्ग्यूमेंट्स ना करो बल्कि एक रोमांटिक वे में एक पीसफुल वे में न्यू स्टार्ट करो ठीक है तो इनकी नेक्स्ट मूव मुझे ये दिख रही है कि वो आपकी तरफ आ रहे हैं बहुत लोग ही हो सकती है कि आप लोग मिल मिल लो ठीक है मिलो एंड कुछ कुछ के लिए हो सकता है कि कम्युनिकेशन करें ठीक है एंड थोड़े से इनडायरेक्ट वे में करें हो सकता है ठीक है कि थोड़ा सा बातचीत करें उसके बाद अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें सो फाइव टू सिक्स वीक्स फ़ाइव टू सिक्स डेज़ फाइव टू सिक्स आवर्स आप दोनों की बातचीत हो सकती है कम्युनिकेशन हो सकता है विद इन फाइव टू सिक्स मंथ्स आप लोग मिल सकते हो ठीक है आप कुछ पर्सनल मैसेजेस देखते हैं उनके तरफ से आपके लिए कि वो रात में क्या सोचते हैं क्या फील करते हैं आपके लिए देखो फिज़िकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है ठीक है मे बी उन्हें अराजल भी आता है आपके बारे में सोच के लेकिन इतना ज़्यादा परेशान रहते हैं ना मतलब उन्हें आपको खोने का दुख है डर है एंड उन्हें ऐसा लगता है कि आप अपने लाइफ में खुश हो आपको लगता है कि वो अपने लाइफ में खुश हैं और उनको लगता है कि आप अपने लाइफ में खुश हो दोनों की मेरे एनर्जीज हैं चलो देखते हैं सबसे पहला है आई विल कम बैक तो वो वापस आएंगे कहना चाहते हैं फिर है स्टॉक यू एवरी डे आई लव टू सी योर पिक्चर्स वो आपको रोज स्टॉक करते हैं आपके पिक्चर्स देखना उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है फिर है मुझसे शादी करोगे वाओ आपको मैरिज प्रपोजल देना चाहते हैं वो डेफ़िनेटली आपसे शादी करना चाहते हैं फिर है अव टाइम अपाउट इज ओनली टेम्प्रोरी इट विल एंड सुन तो वो कहना चाहती है ये जो दूरियाँ हैं ये टेम्प्रोरी है बहुत जल्द ख़त्म होगी उन्हें इस चीज़ का पता है वो होपफुल है इस चीज़ को लेके फिर है जब तक जहाँ में सुबह शाम है तब तक मेरे नाम तू मैं दो लाइन गा देती जब तक जहाँ में सुबह शाम है तभी तक मेरे नाम तू सर यह सॉन्ग आपको डेडिकेट करना चाहते हैं हो सकता है आपको प्रपोज़ करें अच्छे तरीके से सॉन्ग वगैरह के साथ फिर चांद छुपा बादल में तो आपको एक मून की तरह देखते हैं ठीक है एक मून गॉडेस की तरह गॉड की तरह देखते हैं एक मून की तरह जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा शाइन करते हो हो सकता है कि इन्होंने आपको कहा भी हो कि आप चांद की तरह हो या चांदनी की तरह हो या मून की तरह हो या पिक्चर्स भेजो आपको मून्स वगैरह के पॉसिबल हो सकते हैं ठीक है तो ये दोनों सॉन्ग ज़रूर सुनना फिर है आई एम वेरी प्राउड टू हैव यू अपने आप को बहुत प्राउड मानते हैं आपको पाके फिर है लव कनग्रेज डिस्टेंस तो लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है उन्हें पता है कि ये डिस्टेंस कुछ भी नहीं है अब दोनों के अब दोनों का प्यार बहुत स्ट्रॉन्ग है फिर है यू आर माई ट्विन फ्लेम बेबी तो डेफिनेटली बहुत लोग आप लोग ट्विन फ्लम कनेक्शन में हो सकते हैं आपके पार्टनर को भी शायद इस चीज़ का अंदाज़ा है या फिर धीरे धीरे होने लग रहा है जैसे आप लोग इन्हें वर्क कर रहे हो फिर है आई एम ओनली योर्स बेबी इन्फिनाइट का साइन डेफिनेटली वो कहना चाहते हैं कि वो बस आपके हैं कोई उन्हें दूर नहीं कर सकता चलिए और मैसेजेस देखते हैं मे बी सॉन्ग्स वगैरह सुनते हैं बहुत ज़्यादा रात में वो और जब भी वो सॉन्ग्स वगैरह सुनते हैं सुनने से पहले तब उनके माइंड में आपके ख्याल आते हैं ठीक है जब भी सॉन्ग सुनते होंगे वो एंड शादी के बारे में भी सोचते हैं फिर है बेबी आई एम इन पेन राइट नाउ देर इज डार्कनेस इन फ्रंट ऑफ माई आईज आई कांट स्लीप आई कांट ईट आई एम सफरिंग विद माई पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ हो सकता है बहुत पेनफुल है रात में एनजाइटी प्रॉब्लम्स हैं एन्जाइटी है स्ट्रेस है, है बहुत रोते हैं होंगे बहुत परेशान होते होंगे अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी उनकी ग्रोथ वगैरह नहीं हो रही है एंड बिल्कुल खुश नहीं है बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं बहुत अकेला ना आपको कह पाते हैं ठीक है और हो सकता है कि वो आपसे मतलब आप उनके पेन को फील कर पाते हो टेलीपैथिकली हो सकता है वो जो बात आपसे कहते होंगे आप उस चीज़ को फील कर पाते हो उनके वाइब्रेशन को फील कर पाते हो कितना पेन में है वो फिर आई वॉन्ट टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ माई लाइफ विथ यू आई वॉन्ट टू बी योर लास्ट आई वॉन्ट टू हग यू टिल यू एंड मी हील्स फ्रॉम आवर पास्ट लिंग इन द पास्ट है हो सकता है कुछ पास्ट इश्यूज आप दोनों के हैं उस चीज़ को आप दोनों हील करोगे एक दूसरे के वो चाहते हैं एंड कहीं ना कहीं आपने हील भी किया है उनको एंड वो चाहते हैं कि बाकी की ज़िंदगी वो आपके साथ बिताए ये उनके थॉट्स रहते हैं रात में आपके लिए फिर है यू आर माई वर्ल्ड इवन इफ यू आर सेपरेटेड आई ऑलवेज फील दैट यू आर बिसाइड मी एंड सेंग मी समथिंग देखो मैंने कहा था कि आप उनको फील कर पाते हो वही मैसेज आया कितना स्पेसिफिक मैसेज है हो सकता है टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो या फिर आप दोनों एक दूसरे के सोल की जो प्रेसेंस है वो फील कर पाते हो मतलब आप दोनों को दूर होकर भी ऐसा नहीं लगता है कि बहुत दूर हो या बातचीत नहीं हो रही है ठीक है आपको फील होते रहता है कि बात कर रहा है कोई ना कोई आपके साथ फिर है आ, क्या हम कभी मिल नहीं पाएंगे क्या हमारी फिर से शुरुआत नहीं होगी क्या हम साथ में जिंदगी नहीं बिता सकते तो देखो क्वेश्चन उनके माइंड में रहते हैं ये भी खुद क्वेश्चन पूछते हैं अपने आप से ठीक है और आप भी शायद क्वेश्चन पूछते हो तो एक दूसरे के क्वेश्चन क्वेश्चन में ही सब कुछ मिट रहा है तो ज्यादा क्वेश्चंस ना करें और न्यू स्टार्ट जरूर करें एंड ये पर्सन जरूर आएंगे ठीक है एंड ये भी चाह रहे हैं जानना कि क्या मिल पाएंगे हम लोग और आप लोग क्या सही में शादी कर पाओगे साथ रह पाओगे ये इनके थॉट्स रहते हैं रात में ओके सो गाइस ये थी आप लोगों की रीडिंग आई होप आप लोगों को पसंद आए पसंद आए रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में तब तो तक के लिए बाय बाय गाइज़